तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्लेंड्रिना घोस्ट की टॉप 6 सीक्रेट एबिलिटीज एंड पावर्स के बारे में। स्लेंड्रिना बेसिकली ये एक लेडी घोस्ट है। आई नो आप में से सारे ही लोग स्लेंड्रिना के बारे में जानते होंगे बिकॉज ऑफ स्लेंड्रिना के ऊपर डेडिकेटेड काफी सारे गेम लॉन्च हो चुके हैं। एंड आपने स्लेंड्रिना घोस्ट का रेफरेंस एक बहुत ही ज्यादा फेमस गेम यानी ग्रैनी में देखा होगा। ग्रैनी गेम के चैप्टर 1, 2, 3 इन तीनों ही पार्ट्स में आपको स्लेंड्रिना का रेफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं स्लेंड्रिना की ओरिजिन के बारे में आपको बताऊं तो स्लेंड्रिना अपनी डेथ या फिर मौत से पहले एक विच थी जो डार्क रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक एंड डेविल को प्रे किया करती थी। दैट इज वाई वो मरने के बाद एक डेविल डॉटर या फिर ईविल स्प्रिट या फिर आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक घोस्ट बन जाती है। एंड अगर हम स्लेंड्रिना की फैमिली की बात करें तो स्लेंड्रिना की मॉम थी एंजेलिना। एंजेलिना का रेफरेंस आप ग्रैनी गेम के चैप्टर 1 में देख सकते हो। आपको ग्रैनी के घर में एक छोटा सा रूम देखने के लिए मिलता है या फिर एक छोटा सा कैबिन देखने के लिए मिलता है जहां पर आपको स्लेंड्रिना की माँ एंजेलिना दिखती है। बेसिकली वो उस रूम में बंधी भी होती है एक वॉल से, तो आप उसको वहां पर देख सकते हो। स्लेंड्रिना का हस्बैंड भी था जिसका नाम है नोसफेरातू। नोसफेरातू का रेफरेंस आपको ग्रैनी गेम के चैप्टर 2 में दिखाया गया है। बेसिकली ग्रैनी गेम के चैप्टर 2 में ग्रैनी के घर के एटिक पर एक लॉकर या फिर एक अलमीरा होती है जिसके अंदर आपको नोसफेरातू यानी स्लेंड्रिना का हस्बैंड देखने के लिए मिलता है जब आप उस अलमीरा या लॉकर को खोलते हो तो। एंड ऑफकोर्स स्लेंड्रिना का एक छोटा सा बच्चा भी है जिसको स्लेंड्रिना ने ब्लैक मैजिक के थ्रू डेविल से लिया था या फिर डेविल से बनवाया था। आप इस बच्चे का रेफरेंस ग्रैनी गेम के चैप्टर 2 में देख सकते हो। ग्रैनी के घर में आपको एक छोटा सा क्रिएचर देखने के लिए मिलता है ग्रैनी चैप्टर 2 में, तो वो जो एक छोटा सा क्रिएचर होता है जिसको बंद करके रखा हुआ होता है ग्रैनी ने अपने घर में, जब आप उस छोटे से क्रिएचर को मारोगे तो आपके सामने रोती हुई स्लेंड्रिना की सोल या फिर आत्मा आएगी बिकॉज ऑफ वो जो छोटा सा क्रिएचर है वो स्लेंड्रिना का बच्चा है। लेकिन हमें उस बच्चे का नाम अभी तक नहीं पता कि उसका नाम क्या है। ऐसे ही स्लेंड्रिना की ग्रैंड मदर भी है जो है ग्रैनी। ऑफ कोर्स आप ग्रैनी को जानते हो क्योंकि वो ग्रैनी गेम की मेन कैरेक्टर है। ऐसे ही जो स्लेंड्रिना के ग्रैंड फादर या फिर दादाजी है वो ग्रैनी के हस्बैंड यानी ग्रैंडपा हैं। ग्रैंडपा को आप ग्रैनी गेम के चैप्टर 2 एंड 3 में देख सकते हो ग्रैनी या फिर हमारी दादी जी के साथ। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्लेंड्रिना के सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली मेंबर के बारे में, बेसिकली स्लेंड्रिना के डैड के बारे में। तो जो स्लेंड्रिना के डैड हैं उनका नाम है स्लेंडरमैन। आई होप सो कि आप सभी लोग स्लेंडरमैन के बारे में जानते ही होंगे। मुझे इसके बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ स्लेंडरमैन एक बहुत ही ज्यादा फेमस पावरफुल अर्बन लेजेंड घोस्ट है जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज एंड पावर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, माइंड रीडिंग एंड टेलीपैथी जैसी और भी काफी सारी एबिलिटीज एंड पावर्स हैं जो स्लेंडरमैन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अर्बन लेजेंड घोस्ट या फिर क्रिएचर बनाती हैं। अब क्योंकि यार स्लेंडरमैन के पास इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं तो ऑफ कोर्स उसकी बेटी यानी स्लेंड्रिना के पास भी उसी ही की तरह काफी सारी एबिलिटीज होंगी। सो या अभी मैं आपको स्लेंड्रिना की वही सीक्रेट्स, एबिलिटीज एंड पावर्स के बारे में बताने वाला हूं जो उसको उसके डैड से मिली है। जो एबिलिटीज एंड पावर्स स्लेंड्रिना को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेडी घोस्ट बनाती है। दैट इज वाई आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो। कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। एंड इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बिना टाइम फड़े लेट्स गो। ओके, तो मैं स्लेंड्रिना की एबिलिटीज का काउंटडाउन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। नंबर 6 पर जो एबिलिटी आती है उसका नाम है द डिवाइस कंट्रोल। देखो, अगर आप लोगों ने मेरे स्लेंडरमैन के टॉप 5 सीक्रेट्स वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आपको पता होगा कि स्लेंडरमैन के पास एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो आपकी डिवाइस या फिर आपकी डिजिटल चीजों को कंट्रोल कर सकता है। लाइक आपका फोन हो गया, आपका पीसी, आपका टैबलेट, आपका आईफोन या फिर आपकी कोई भी डिजिटल डिवाइस। ही कैन कंट्रोल योर ऑल द डिजिटल डिवाइस। तो ऐसे ही एक सिमिलर एबिलिटी होती है स्लेंड्रिना के पास जिसके थ्रू वो आपके पीसी, आपके फोन, आपके लैपटॉप, यहां तक कि आपके घर के सीसीटीवी कैमरास को भी हैक कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपना फोन चला रहे हो और स्लेंड्रिना आपका फोन अपने कंट्रोल में ले लेती है या फिर उसको हैक कर लेती है, देन उसके बाद वो आपको आपके फोन की डिस्प्ले पर कुछ भी दिखा सकती है, कुछ भी बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, जिसको देखने के बाद आप बहुत ज्यादा शोक में जा सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो। एंड आप चाहते हुए भी अपने फोन को ना ही बंद कर सकते हो ना ही उस चीज को काट सकते हो जो भी स्लेंड्रिना आपको आपके फोन की स्क्रीन पर दिखा रही है। साथ ही साथ स्लेंड्रिना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा सकती है। लाइक जो भी स्लेंड्रिना अपनी आंखों से देख पा रही होगी, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो आपको आपकी फोन की स्क्रीन पर दिखा सकती है, आप उसको देख सकते हो। जस्ट इमेजिन कि स्लेंड्रिना रात के टाइम आपके घर के बाहर खड़ी है एंड वो धीरे धीरे करके आपके घर की तरफ बढ़ रही है। घर के दरवाजे पूरी तरह से लॉक है बट वो उन डोर्स को आर पार करके आपके घर में एंटर कर जाती है एंड वो अब धीरे धीरे करके आपके रूम की तरफ आ रही है। और ये पूरा का पूरा सीन
सीन या पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आप अपनी स्क्रीन पर उस टाइम पर देख रहे हो, इमेजिन करो कि ये कितना ज्यादा स्कैरी और डरावना होगा। अच्छे खासे बंदे की फट जाएगी उस टाइम पर। तो स्लेंडरी ना ऐसा ही कर सकती है आपकी डिवाइस के साथ, वो आपके पीसी, लैपटॉप और भी काफी सारी डिवाइस को कंट्रोल कर सकती है, और इसी को बोलते हैं स्लेंडरी ना की द डिवाइस कंट्रोल एबिलिटी। तो चलो अभी बढ़ते हैं नंबर 5 की एबिलिटी की तरफ। नंबर 5 पर जो स्लेंडरी ना की एबिलिटी आती है उसका नाम है द पोजेशन। जैसा कि इस एबिलिटी का नाम है आप में से काफी सारे लोग समझ भी चुके होंगे, दैट मीन जो स्लेंडरीना है वो किसी भी इंसान की बॉडी में घुसकर उसको पोजेस कर सकती है या फिर उसको स्पाई कर सकती है एंड फिर उस बंदे की बॉडी के थ्रू वो कुछ भी कर सकती है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है उस बंदे के लिए जिस भी बंदे को स्लेंडरीना स्पाई या पोजेस करेगी। तो ठीक है यार, चलो अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की एबिलिटी की तरफ। नंबर 4 पर जो एबिलिटी आती है उसका नाम है द डीप स्लीप। सी, हम सभी लोग इंसान है और हम सभी सोते भी है ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही एक रात आपने सोने का डिसाइड किया, मतलब जल्दी सोने का डिसाइड किया, आपने अपना फोन साइड में रखा और आराम से लेट गए। लेकिन मान लीजिए कि आपको उसके बाद आधा या एक घंटे तक नींद नहीं आती है, तो उस टाइम पर जब हम खाली लेटे हुए होते हैं हमको वो एक या आधा घंटा बहुत ज्यादा लंबा लगता है। हम सोचते हैं कि यार हमें अभी तक नींद क्यों नहीं आई, इतना ज्यादा टाइम हो गया। बट उसके बाद आपको नींद आ जाती है एंड समथिंग 7 या 8 घंटे के बाद सुबह को आपकी आंख खुलती है। तो आपने जो वो 7 या 8 घंटे सोते हुए बिताए उनका आपको कुछ भी पता नहीं लगता। लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप अभी सोए एंड उठ गए, जबकि सोने से पहले वो जो आधा घंटा था जब आपको नींद नहीं आ रही थी और आप खाली लेटे हुए थे वो आपको बहुत ज्यादा लंबा लग रहा था। बट उसके बाद आप सोए एंड आपने 7 या 8 घंटे सोते हुए निकाले, बट उन 8 घंटों का आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगा। बिकॉज ऑफ सोने के बाद बंदा पूरी तरह से फेंटेड या फिर अनकॉन्सियस मोड में चला जाता है। सोते हुए बंदे को नहीं पता कि उसके आसपास क्या चल रहा है, वो कहां पर है। इवन उसको ये भी नहीं पता होता कि वो उस दुनिया में है भी या नहीं। जस्ट इमेजिन कि आप एक रात सोए बट सोने के बाद आप बहुत दिनों तक उठे ही नहीं, मतलब आपकी नींद ही नहीं खुली। लाइक आपके पेरेंट्स, फैमिली, दोस्त आपको उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी नींद खोलने की कोशिश कर रहे हैं बट आपकी नींद नहीं खुल रही है। आप उस टाइम पर जिंदा हो गए, आपकी सांसें चल रही होंगी बट आपकी नींद नहीं खुलेगी बहुत ज्यादा दिनों तक। इसी को बोलते हैं डीप स्लीप। और स्लेंडरीना जिस भी बंदे को चाहे वो उस बंदे को बहुत दिनों के लिए, काफी दिनों के लिए डीप स्लीप मोड में डाल सकती है। स्लेंडरीना जिस भी बंदे को डीप स्लीप मोड में डालेगी तो वो बंदा डीप स्लीप में जाने के बाद पूरी तरह से अनकॉन्सियस हो जाएगा, मतलब जो उसकी फीलिंग्स होंगी वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएंगी, उसके अंदर सिर्फ एम्प्टीनेस बचेगी एंड वो पूरी तरह से फेंटेड हो जाएगा। उसको कुछ नहीं पता होगा कि वो कहां पर है या उसके साथ क्या हो रहा है, उसके आसपास कौन है, यहां तक कि उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो जिंदा है भी या नहीं। वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा डीप स्लीप मोड में जाने के बाद। आप लोग बोल सकते हो कि डीप स्लीप में जाने के बाद वो बंदा सिर्फ एक डेड बॉडी है, एक ऐसी डेड बॉडी जिसकी सिर्फ सांसें चल रही हैं। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि स्लेंडरीना किसी भी बंदे को डीप स्लीप में सिर्फ 17 से 18 दिन के लिए ही डाल सकती है, मतलब ये टेम्परेरी है। 17-80 डेज के बाद वो बंदा डीप स्लीप से उठ जाएगा, लेकिन जब तक वो बंदा डीप स्लीप से उठेगा तब तक उसकी बॉडी पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ चुका होगा। बिकॉज ऑफ वो 17 से 18 दिन तक डीप स्लीप में था, बिना कुछ खाए पिए वो बस इतने दिन तक डीप स्लीप में सो रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, उसकी बॉडी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देन उसको दोबारा से हील होने में, पहला जैसा होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी को बोलते हैं स्लेंडरीना की डीप स्लीप एबिलिटी। तो आई होप सो कि अब आपको इस एबिलिटी के बारे में पता लग चुका होगा कि ये कितनी ज्यादा हार्मफुल और इम्पैक्टफुल हो सकती है किसी भी इंसान के लिए। अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की एबिलिटी की तरफ। नंबर 3 पर जो स्लेंडरीना घोस्ट की एबिलिटी आती है उसका नाम है द टेलीपोर्टेशन। आप में से सारे ही लोग टेलीपोर्टेशन का नाम सुनकर समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह की एबिलिटी है। तो जी हाँ, जो स्लेंडरीना है वो टेलीपोर्ट कर सकती है, दैट मीन वो दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेकंड्स के अंदर जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको इंडिया से न्यूयॉर्क जाना है तो हमको बहुत ज्यादा घंटों का टाइम लगेगा, बट अगर स्लेंडरीना इंडिया में है और अगर वो न्यूयॉर्क जाना चाहती है तो वो टेलीपोर्ट करके कुछ सेकंड्स में ही जा सकती है, लाइक 1 या 2 सेकंड्स में ही जा सकती है। इसी को बोलते हैं द टेलीपोर्टेशन एबिलिटी। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों के पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी होती तो आप दुनिया के कौन सी जगह जाते या फिर आप दुनिया के कौन से पार्ट में जाना पसंद करते, लेट मी बिलो इन द कमेंट। ओके, अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की एबिलिटी की तरफ। नंबर 2 पर जो स्लेंडरीना की एबिलिटी आती है उसका नाम है द कंट्रोल ऑफ एक्सट्रीमिटीज। दैट मीन जो स्लेंडरीना है वो किसी भी इंसान या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग के हाथ या पैरों को कंट्रोल कर सकती है। देखो, हम अपने माइंड के थ्रू अपने हाथ पैरों को कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर हमको भागना है तो हम अपने माइंड से कमांड देंगे अपने पैरों को कि भाई हमको
भागना है एंड हमारे पैर भागने लगेंगे। ऐसे ही अगर हमको अपने हाथों से काम कराना है देन फिर हम अपने माइंड से कमांड देंगे अपने हाथों को कि हमको ये काम करना है और हमारे हाथ वो काम करने लगेंगे। बेसिकली आप अपने हाथ पैरों को अपने माइंड से कंट्रोल करते हो, ये बात ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता होगी, बट जो स्लेंड्रीना है वो आपके हाथ या पैरों को अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल कर सकती है। हाथ पैर तो आपके ही होंगे लेकिन जो कमांड होगी वो स्लेंड्रीना के माइंड से होगी। स्लेंड्रीना जो भी कमांड आपके हाथ पैरों को देगी आपके हाथ पैर वही करेंगे एंड उस टाइम पर आपके जो हाथ पैर होंगे उनका कनेक्शन आपके माइंड से पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा और आपके हाथ पैर आपके कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे और उनका कंट्रोल स्लेंड्रीना के पास होगा। अब इस एबिलिटी का स्कैरी और सबसे ज्यादा डरावना पार्ट यह है कि अगर स्लेंड्रीना चाहे तो वो आपके हाथों को कमांड देकर आपसे ही आपके किसी अपने या फिर किसी खास आदमी को मरवा सकती है। लाइक वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या कोई और क्लोज चाहने वाला बंदा हो सकता है। जस्ट थिंक, ना चाहते हुए भी आप अपने हाथों से अपने ही खास बंदों को या फिर फ्रेंड्स को मार रहे हो जान से, जस्ट बिकॉज आपके हाथों का कंट्रोल किसी और के पास है और वो आपके हाथों को कमांड दे रहा है उनको मारने के लिए। सोचो कि ये कितना ज्यादा डरावना और स्कैरी हो सकता है किसी भी बंदे के लिए। सो या, ये एक स्कैरी एबिलिटी होती है स्लेंड्रीना की जिसका नाम होता है द कंट्रोल ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ओके, तो अभी बढ़ते हैं लास्ट और नंबर वन की एबिलिटी की तरफ। स्लेंड्रीना घोस्ट की जो नंबर वन पर एबिलिटी आती है उसका नाम है द इमोर्टेलिटी। बेसिकली जो स्लेंड्रीना है उसको मारा नहीं जा सकता, वो एक इमोर्टल घोस्ट है। देखो, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी इसी वीडियो में बताया था कि जो स्लेंड्रीना थी वो मरने से पहले यानी उसकी डेथ से पहले वो एक विश थी, मतलब वो डार्क रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक और डेविल को प्रे किया करती थी। देन उसके बाद जब वो मर जाती है तो मरने के बाद वो एक इविल स्प्रिट या फिर डेविल डॉटर बन जाती है बिकॉज ऑफ वो डेविल को प्रे किया करती थी एंड ब्लैक मैजिक्स किया करती थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जो इविल स्प्रिट्स होती हैं ना ही उनका डिलीवरेंस होता है, मतलब उनको मोक्ष भी नहीं मिलता और ना ही उनको मारा जा सकता है। वो इमोर्टल होती है अंटिल एंड अनलेस जब तक खुद डेविल उन इविल स्प्रिट्स को डिस्ट्रॉय या फिर मार ना दे। और क्योंकि स्लेंड्रीना डेविल की एक बहुत अच्छी प्रीस्ट है, वो काफी टाइम से डेविल को प्रे करती भी आ रही है, दैट्स व्हाई डेविल उसको कभी नहीं मार सकता, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि स्लेंड्रीना इमोर्टल है बिकॉज ऑफ वो एक इविल स्प्रिट है। सो या, यही थी स्लेंड्रीना इविल घोस्ट की कुछ सीक्रेट्स, पावर एंड एबिलिटीज। अब आपको पता लग चुका होगा कि स्लेंड्रीना घोस्ट कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है और उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज हैं एंड ये इंसानों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज यार एक लाइक कर देना, कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो मैं आपके कमेंट को शॉर्ट आउट दूंगा आने वाली वीडियो में, तो जाकर अच्छा सा कमेंट कर दो वीडियो के नीचे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो ठीक है यार, चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।